हेलो एवरीवन, सोशियोलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है यूपी पीजीटी का, विषय आपका समाजशास्त्र और ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। सुपर 20 एमसीक्यू शाम 7 PM डेली आपकी 7 बजे शाम को क्लास चलेगी। प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, इस पर हेल्प प्रश्नपत्र कराने जा रहा है। और अभी पहले बार लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने 2000 से लेकर के 2016 तक के सारे प्रश्न पत्र जो पिछले प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र होते हैं, वित्त व्याख्या सहित हमने हल कराए हैं। और उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो चेक कर सकते हैं उसको भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने। और मित्रों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर तो अवश्य ही करें अपने मित्रों के साथ साथ। अपने मित्रों को बताएं कि इस प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने जा रहा है। पहला एमसीक्यू आपके सामने है, पूछा कार्यों के विभाजन को क्या कहते हैं। ए समाजवाद, बी श्रम विभाजन, सी पूंजीवाद और डी आपका संपत्ति। और इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसमें हम आपके प्रश्न ही कराएंगे क्योंकि क्वेश्चन के आंसर हम खुद बताएंगे आपको। क्या है कार्यों के विभाजन को क्या कहते हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी श्रम विभाजन, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 2 स्क्रीन पर ये रहा, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक प्रवृत्तियाँ उपभोक्ता की ओर रुझान पैदा करती हैं। ए वस्तु विनियम, बी बाजार, सी श्रम विभाजन और डी है संतुष्टि। राइट आंसर बताएं क्या है, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर, आर्थिक प्रवृत्तियाँ उपभोक्ता की ओर रुझान पैदा करती हैं, क्या है ए बी सी डी, क्या राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बाजार, इज द राइट आंसर बी, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 3 ये रहा स्क्रीन पर, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा मानव द्वारा वस्तुओं के ओर नियंत्रण के संदर्भ में संपत्ति की कल्पना की जाती है। ए टी बेबलिन, बी एल टी हबहाउस, सी आर एच लुई और डी आपका एल एच मॉर्गन। ये किसकी कल्पना है, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने प्रश्न है। और ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट का आपका थर्ड एमसीक्यू आपके सामने है स्क्रीन पर, क्या आंसर होगा इसका, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, कहा था आर एच लुई साहब ने कहा था, ठीक है, इन्होंने कल्पना दी थी संपत्ति के संदर्भ में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा, पूछ रहा है किसने कहा था कि जनांकी जनसंख्या के आधार आकार भौगोलिक वितरण गठन परिवर्तन तथा जन्म दर और मृत्यु दर प्रादेशिक गमन एवं सामाजिक गतिशीलता के संदर्भ में जाने वाले कारकों का अध्ययन है। ए है हाइजर और डंकर, बी है मैकाइवर, सी आपका मार्टन और डी आपका लिंटन। किसने कहा था, किसका अध्ययन है ये, प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है स्क्रीन पर, प्रश्न देख रहे होंगे। और इसका आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रश्न नंबर 4 का, तो आई होप आप सभी लोगों ने आंसर दे दिया होगा इसका, ए राइट आंसर है हाइजर और डंकर का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, पूछा जनांकिकी में जनसंख्या के आकार, उनके गठन, उनके क्षेत्रीय विवरण, जन्मदर, मृत्युदर और विवरण प्रगतिशीलता तथा प्रवर्तन संबंधी गणितीय जनांकिकी का अध्ययन, यह परिभाषा किसकी है। ए चाइल्ड की, बी मैकाइवर की, सी डी जे बूज की और डी आपका लुंडबर्ग की। किसकी परिभाषा है ये, प्रश्न नंबर 5 कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, इज द राइट आंसर 5वां का, डी जे बून की। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा, पूछा जाति और वर्ग में मुख्य भेद क्या है। ए है जाति वर्गहीन समाज में प्रचलित होती है तथा वर्ग जातिविहीन समाज में प्रचलित होता है। बी है जाति सदैव समृद्ध होती है जबकि वर्ग सदैव विवृत होता है। सी है जाति के मामले में व्यक्ति की परिस्थिति आरोपित होती है जबकि वर्ग में अर्जित होती है। और डी कहता है जाति के मामले में व्यक्ति को सर्वाधिक हानि पड़ती है जबकि वर्ग में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना, जाति और वर्ग में क्या भेद है, मुख्य भेद क्या है, इसका आपको आंसर बताना कमेंट करके क्या है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, जाति के मामले में व्यक्ति को सर्वाधिक हानि भोगनी पड़ती है जबकि वर्ग में ऐसा नहीं होता है।
नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 7। और जो भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें कि आपका प्रश्न को ये आंसर हमने गलत बताया, तो उसको हम सही करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, घबराए ना, जो है आप सामने रखें अपनी बात को। प्रश्न नंबर 7 है, मैक्स वेबर मार्क्स के अनुसार कृषक वर्ग क्रांतिकारी वर्ग को हो सकता है, क्योंकि ए है वह संपत्ति का स्वामी है, बी वह गरीब है, सी है वह भौगोलिक दृष्टि से बिखरा है, और डी आपका उसका दृष्टिकोण पारस्परिक है। क्या राइट आंसर होगा? प्रश्न नंबर 7। लाइक बहुत कम आ रहा है, लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेट होता है। इतनी मेहनत करते हैं हम आपके लिए प्रश्न और उनके आंसर बनाते हैं, टाइपिंग करते हैं, तो मेहनत तो खैर लगती ही है, आप भी जानते हैं, तो मेहनत का फल आप ही लोगों से मिलेगा। आप लाइक करेंगे तो हमारे लिए हमें उसका फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। क्या राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 7 का? इसका राइट आंसर होगा डी, उसका दृष्टिकोण पारस्परिक है। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 स्क्रीन पर आपके सामने पूछा, संस्थाएं होती हैं ए अमूर्त, बी व्यापक, सी सामाजिक, डी उपरोक्त सभी। संस्थाएं कैसी होती हैं? प्रश्न नंबर 8 आपके सामने प्रश्न है, देख रहे होंगे आप, और इसका आंसर आपने दे दिया होगा, बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने, उपरोक्त सभी डी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं, ये रहा स्क्रीन पर, पूछ रहा है निम्नलिखित में से शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन अनुचित होगा? ए शिक्षा व्यक्ति का विकास है, बी शिक्षा अध्ययन का ही दूसरा नाम है, उसी है शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया, डी है शिक्षा आंतरिक शक्तियों का जाल है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने प्रश्न है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, शिक्षा अध्ययन का ही दूसरा नाम है। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर पूछा है, जैविकीय कार्यों का संबंध किससे है? किससे है जैविकीय कार्यों का संबंध? ए है मनुष्य की आंतरिक प्रवृत्तियों की संतुष्टि से, और बी पूछ रहा है संतानोत्पत्ति की व्यवस्था करने से, सी है असीमित उत्तरदायित्व की भावना से, और डी है इनमें से किसी से नहीं। क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का आंसर? और इसका राइट आंसर आपने दे दिया है कमेंट बॉक्स में, राइट आंसर आपका ए है मनुष्य की आंतरिक प्रवृत्ति की दृष्टि संतुष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 आपके सामने पूछ रहा है बहुपति विवाह का उदाहरण है ए संयुक्त परिवार को मजबूत बनाने का प्रचार विचार है, बी पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या कम, सी है निर्धनता, और डी आपका उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने प्रश्न है, देख रहे होंगे आप, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का? और इसका राइट आंसर हो जाएगा आप, बिल्कुल राइट आंसर है आपका डी, उपयुक्त सभी है, ए बी सी तीनों इज़ द राइट आंसर, इसलिए आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न नंबर 12 में, भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता की दर कितने प्रतिशत थी? ए 75.85% और बी एफ 54.16% और डी एफ सी आपका 45.3% और डी ए 31.6%। कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? प्रश्न नंबर 12 आपके सामने आप देख रहे होंगे, बिल्कुल राइट आंसर बताया आपने, इसका 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी 54.16% 2001 की जनगणना में थी महिलाओं की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 13 पूछा सामाजिक परिवर्तन के लिए आर्थिक कारकों को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व क्या है? ए है उपभोग की प्रवृत्ति, बी है उत्पादन का स्वरूप, सी है आर्थिक नीतियाँ, और डी है उपयुक्त सभी। क्या आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 13? बिल्कुल राइट आंसर है, 13 का राइट आंसर दिया आपने, बिल्कुल सी आर्थिक नीतियाँ द राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं आप, प्रश्न नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर पूछ रहा है भारत में किस प्रकार के परिवारों की संख्या अधिक है? ए पितृसत्तात्मक, बी मातृसत्तात्मक, सी मातृवंशी, और डी ए इनमें से कोई नहीं। भारत में किस प्रकार के परिवारों की संख्या अधिक है? प्रश्न नंबर 14 का आंसर बताएं, पूछ रहा है भारत में किस प्रकार के परिवारों की संख्या सबसे अधिक है, सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है आपका ये पितृसत्तात्मक, प्रश्न नंबर 14 का ये राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 आपके सामने पूछ रहा है धर्म के साथ गहराई से जुड़ा हुआ
तत्व कौन सा है? ए भय, बी मूल्य, सी आपका सार्वभौमिकता और डी है विश्वास। क्या है, कौन सा जुड़ा हुआ धर्म के साथ सबसे ज़्यादा गहराई से? प्रश्न नंबर 15 स्क्रीन पर प्रश्न है, बिल्कुल भय इज द राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा 16, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के विवाहों में से देवर विवाह कौन सा विवाह है? ए भाई बहनों के बीच विवाह, बी बहन की पुत्री के साथ विवाह, सी है भाई की पुत्री के साथ विवाह और डी आपका पति के भाई की साथ विवाह, पति के भाई के साथ विवाह। प्रश्न नंबर 16, कौन सा विवाह में देवर विवाह कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या है? बिल्कुल सही है आपका डी राइट आंसर, पति के भाई, जो मृतक पति उसकी विधवा पत्नी विवाह कर लेती है देवर से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 17 पूछ रहा है लोगों के केंद्रीय नगरों से आस पड़ोस के क्षेत्र में लघु समुदायों में रहने के लिए चले जाने का कहा जाता है? ए उपनगरीकरण, बी अल्पनगरीकरण, सी आपका अति नगरीकरण और डी है ग्राम नगरीकरण। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा राइट आंसर प्रश्न नंबर 17 का? बिल्कुल राइट आंसर बताया आपने 17 का ए उपनगरीकरण राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 18 पूछ रहा है प्राचीन भार नगरों के विकास की निम्नलिखित शर्तों में कौन सा एक सर्वाधिक महत्व की थी? ए है जनसंख्या वृद्धि में, बी है प्रौद्योगिकी नवाचार में, सी है नवीन प्रौद्योगिकी का आविष्कार और डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने बी प्रौद्योगिकी नवाचार इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 19 आपके सामने पूछा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ए 1854 में, बी 1956 में, सी 1947 में और डी है 1954 में। किस डेट में हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था? प्रश्न नंबर 19 बिल्कुल 1856 में लागू हुआ था, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 20 इस सेशन का लास्ट और आखिरी प्रश्न है प्रैक्टिस सेट का, पूछ रहा है मातृपक्ष की ओर कितनी पीढ़ियां तक के सदस्यों में विवाह संबंधी निषिद्ध है? माता के पक्ष की पीढ़ियों से कितने विवाह में? ए 5 पीढ़ियों में, बी 6 पीढ़ियों में, सी 7 पीढ़ियों में, डी आपका 8 पीढ़ियों में। प्रश्न नंबर 20 प्रश्न है इस सेशन का लास्ट और आखिरी प्रश्न है ये प्रैक्टिस सेट का, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट का UPPGT का। बिल्कुल राइट आंसर बताया आपने बी का राइट आंसर, 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए 5 पीढ़ी के छोड़ने के बाद विवाह हो सकता है, इसके पहले विवाह नहीं हो सकता मातृपक्ष की ओर से। ठीक है, तो आई होप आज का प्रैक्टिस सेट को आपको आनंद आया होगा और ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था हमारा, और भी प्रैक्टिस सेट हम ऐसे ही क्रम बाई क्रम लेकर के आ रहे हैं आपके सामने। और अगर लेक्चर पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर और आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेट है, लोगों को जोड़ें अपने साथ इसी प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप राजस्थान PGT का फॉर्म डालें तो उसकी सुबह 7 बजे क्लास चलती है, वो भी ज़रूर ज्वाइन करें आप लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।